कहते हैं कि मछली जल की रानी होती है और इस जल की रानी के भी कई रूप होते हैं और कोई अपनी खूबसूरती के कारण लोगों का अपनी ओर मन आकर्षित करती है तो वहीं कुछ मछलियाँ लोगों के स्वाद के कारण पसंद की जाती हैं। लेकिन इन दोनों तरह की मछलियों के अलावा मछलियों का एक और समूह है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करता बल्कि लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की खतरनाक मछलियों के बारे में। ऐसी खतरनाक मछलियाँ जिनका जहर सांप के जहर से ज्यादा जानलेवा होता है और कुछ के जबड़ों की ताकत मगरमच्छ के जबड़े से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही भयानक मछलियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भौचक्के रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को आप जरूर दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। नंबर 10, इलेक्ट्रिक एलफिश। दोस्तों, फिल्म सुल्तान में एक गाना था जिसके गाने का अर्थ कुछ ऐसा था कि हीरोइन के छूने से हीरो को 440 वोल्ट का झटका लगता है। खैर, गाने के बोल भले ही काल्पनिक थे लेकिन वास्तविकता में ये बदल भी सकते हैं। बस नायिका की जगह पर इलेक्ट्रिक एलफिश मछली को रख दीजिएगा, फिर उसे छूने से 440 वोल्ट नहीं बल्कि 600 वोल्ट तक का झटका लगेगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिक एलफिश साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रजाति है जिसके शरीर से इलेक्ट्रिक रिलीज होती है। इसकी लंबाई 6 से 8 फीट और वजन 20 से 22 किलोग्राम तक होता है। इसके शरीर से निकलने वाली बिजली के जानलेवा झटके के कारण इसे पानी के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। इसके शरीर में स्पेशल ऑर्गन मौजूद होते हैं जो कोई भी खतरा महसूस होने पर बिजली के झटके रिलीज करते हैं। आपको बता दें कि आपकी सुरक्षा के अलावा शिकार के लिए भी इलेक्ट्रिक एल अपनी इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग करती है। अगर गलती से भी आपने इसे हाथ लगा दिया तो फिर आपकी जान तक जा सकती है। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, ये दोहा बॉक्स जेलीफिश पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जेलीफिश की इस प्रजाति के शरीर का डायमीटर मात्र 10 इंच तक का होता है और वजन लगभग 2 किलोग्राम तक हो सकता है, लेकिन इस छोटे से शरीर वाले जेलीफिश में इतनी ताकत होती है कि ये बड़े से बड़े इंसान को भी मौत की नींद सुला सकता है। इस जेलीफिश का एकमात्र हथियार इसका जहर है। इस जेलीफिश के शरीर में 15 टेंटिकल्स होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 10 फीट तक होती है। जेलीफिश में किरोनॉक्स नामक जानलेवा जहर पाया जाता है जो कि इसके सभी टेंटिकल्स में मौजूद होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इसके टेंटिकल्स के संपर्क में आ जाता है तो जहर उसके शरीर में पहुंच जाता है और फिर शरीर में प्रवेश करते ही जहर का दुष्प्रभाव नजर आने लगता है। इसका जहर सांप के जहर से भी ज्यादा तेजी से अपना असर दिखाता है। जहर की वजह से दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं और फिर हार्ट फेलियर की वजह से 5 मिनट के अंदर ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। किसी बीच पर जाना हुआ तो जेलीफिश की जाल से बचने की हर संभव कोशिश कीजिएगा। नंबर 8, स्ट्रेंजर फिश। स्ट्रेंजर मछली का डरावना चेहरा ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी होता है। इस मछली की लंबाई 18 इंच से 22 इंच तक हो सकती है और वजन लगभग 7 से 9 किलोग्राम तक हो सकता है। स्ट्रेंजर छुपकर शिकार करने में माहिर होते हैं। ये मछली शिकार के लिए रेत में गड्ढे बनाकर उसमें छुप जाती है और फिर आसपास आने वाली दूसरी मछलियों का शिकार करती है। इस मछली की लगभग 50 से ज्यादा प्रजातियां हैं जिसमें कुछ मछलियां बिजली भी पैदा करती हैं। वहीं स्ट्रेंजर अपनी जानलेवा जहर के लिए भी जानी जाती है। इसके शरीर में खतरनाक जहर होता है जिसका उपयोग वे शिकार को मारने में और अपनी सुरक्षा में करती हैं। यदि कोई इंसान इसके करीब आए तो वो उसको छोड़ती नहीं है। इसका जहर स्वस्थ इंसान को भी हॉस्पिटल में भर्ती होने पर मजबूर कर देता है, इसलिए इस मछली से दूरी बनाए रखने में आपकी भलाई है। नंबर 7, पिराना फिश। इस मासूम से दिखने वाली मछली की मासूमियत पर बिल्कुल मत जाना क्योंकि ये मासूमियत आप पर भारी पड़ सकती है। पिराना मुख्य रूप से साउथ अमेरिका की नदियों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है और इसका वजन 2 से 3 किलोग्राम तक होता है। इस मछली को खतरनाक इसलिए माना गया है क्योंकि इसके दांत किसी नुकीले चाकू से कम नहीं है। इस मछली के जबड़े की ताकत इतनी होती है कि अपने से बड़ी मछलियों के भी ये टुकड़े टुकड़े कर सकती है। यदि आपने गलती से भी इसको छू लिया तो फिर ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है। इसके काटने की ताकत इसके शरीर से 30 गुना ज्यादा होती है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि यदि आपका हाथ इसके जबड़े में पहुंच गया तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। बेहतर है कि इस मछली को उसके अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाए वरना फिर आपका हाल बिगड़ सकता है। नंबर 6, टाइगर फिश। टाइगर फिश को दुनिया की सबसे निडर मछलियों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि ये मछलियाँ किसी पर भी हमला करने से डरती नहीं है भले ही इनके सामने कोई इंसान क्यों ना हो। टाइगर फिश मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 6 फीट तक और वजन 50 से 55 किलोग्राम तक हो सकता है। इस मछली के मुंह में 32 नुकीले दांत होते हैं जिनकी लंबाई 1 इंच होती है। इसके दांतों तले कोई भी चीज एक बार आ जाए बस फिर उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। ये मछली इतनी खतरनाक होती है कि इंसान की जान तक ले लेती है।
हालांकि लोग इस मछली को बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन यदि कोई इस मछली का अकेले ही शिकार करने जाए तो फिर उसके लौट के आने की संभावना काफी कम हो जाती है। नंबर 5, मोरे ईल। अफ्रीकी देशों में पाया जाने वाला मोरे ईल को इलेक्ट्रिक ईल से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यदि इलेक्ट्रिक ईल के बिजली के झटके से एक बार आप बच जाएं, तो फिर बचने की संभावना बनी रहती है, लेकिन अगर एक बार मोरे ईल के संपर्क में आप आ गए तो फिर उससे पीछा छुड़ाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस मछली की सारी ताकत उसके जबड़ों में छुपी होती है। इस मछली के दांत काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो किसी को भी जख्मी कर सकते हैं। एक बार यदि कोई जीव इसके जबड़े की पकड़ में आ जाए तो फिर उसका बचकर वापस जाना असंभव हो जाता है। यदि मोरे ईल को किसी इंसान से खतरा महसूस होता है तो फिर वो बिना कुछ सोचे समझे हमला कर देती है, और अपना हमला तब तक जारी रखती है जब तक कि इंसान उसकी नजरों से दूर ना हो जाए। नंबर 4, ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क एक ऐसी मछली है जो इंसानों को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना भोजन मानती है। इस वजह से मछली को पानी के अंदर इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इस मछली की औसत लंबाई 15 फीट और वजन 2 से 2.5 टन तक का होता है। इसकी सारी ताकत इसके जबड़े और खंजर जैसे तेज दांतों में होती है। ये मछली अपनी गिरफ्त में आने वाले सभी जीवों को लहूलुहान कर देती है। दुनिया में कई ऐसे बीच हैं जहां शार्क के हमले को लेकर वार्निंग बोर्ड लगाई जाती हैं, और एक टीम भी मौजूद होती है जो कि शार्क के हमले से लोगों को बचाती है। शार्क की एक और खास बात है, और वो ये है कि जब ये एक बार किसी का पीछा करती हैं तो फिर वो तब तक नहीं रुकती जब तक कि वो उसे अपना शिकार न बना ले। नंबर 3, स्टोन फिश। स्टोन फिश छुपकर शिकार करने के लिए जानी जाती हैं। मछली खुद को इस तरह से छुपाती है आपको खबर तक नहीं होगी कि आपके सामने कोई मछली है भी या नहीं। ये मछली खास तौर पर समुद्र की गहराई में सतह पर रहती है और सतह की चट्टानों और घास में छुपकर शिकार करती है। इस मछली के आसपास जानलेवा जहर होता है जिसका उपयोग वो शिकार और अपनी सुरक्षा के लिए करती है। यदि भूलकर भी कोई इस मछली को नुकसान पहुंचाना चाहे तो फिर ये उस शख्स की आखिरी भूल साबित होती है। इस मछली के जहर से किसी भी इंसान की मौत 2 घंटे के अंदर हो सकती है। नंबर 2, रेड लाइन फिश। इस मछली की खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, लेकिन इसकी ये खूबसूरती एक धोखा है। इसकी खूबसूरती में ही इस मछली का मुख्य हथियार छिपा होता है। इस मछली के शरीर पर 18 खूबसूरत स्पाइंस या कांटे होते हैं जिसमें जहर भरा होता है। जी हाँ, ये खूबसूरत मछली भी जहरीली है, और इसका जहर इसके शरीर पर मौजूद कांटों में होता है। यदि आपने इसे छूने की कोशिश की तो ये अपना नुकीला कांटा आपके शरीर में चुभा देगी और जहर शरीर में प्रवेश कर जाएगा। आमतौर पर इसका जहर जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन कई सारी परेशानियाँ हो सकती हैं और हालत गंभीर होने पर हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है। नंबर 1, पफर फिश। पफर फिश यानी दुनिया की सबसे खतरनाक मछली। ये एक जहरीली मछली है। इसके शरीर में टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का जानलेवा जहर पाया जाता है। इसका जहर साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा घातक होता है। यदि इस मछली का जहर शरीर में प्रवेश कर जाए तो कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके जहर के दुष्प्रभाव से दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं और साथ ही नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है। यदि समय पर उचित इलाज ना मिले तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, या फिर वो व्यक्ति जीवन भर के लिए पैरालाइज्ड भी हो सकता है। वैसे जापान के लोग पफर फिश को बड़े शौक से खाते हैं, हालांकि इसे बनाने का काम सिर्फ एक्सपर्ट शेफ ही करते हैं। यदि इसके शरीर का जहर ठीक से नहीं निकाला जाए तो फिर ये घातक साबित हो सकता है, इसलिए इस मछली से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। आपकी मुलाकात इनमें से किसी भी मछली से हुई है या नहीं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।